फ्रेंड्स, हेल्दी कुकिंग विद अनीता में आपका स्वागत है। होली का टाइम आ रहा है तो क्यों ना गुजिया बनाया जाए, और गुजिया भी कई तरह से बनते हैं, तो आज मैं आपको अपने स्टाइल से गुजिया बना के दिखाऊंगी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप किस तरह से गुजिया बनाते हो, तो मुझे भी पता चलेगा कि आपका स्टाइल क्या है। लेकिन मैं इसे थोड़ा हेल्दी वर्जन में बनाऊंगी, तो इसमें मैं सूजी नहीं डालूंगी, सिर्फ खोआ और ड्राई फ्रूट से इसका मसाला तैयार करूंगी। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो होली में आप भी गुजिया बनाएं और मजे से खाएं। तो इसका रेसिपी आप देखिए कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ये 400 ग्राम मैदा लिया है, 1/4 कप मैंने घी लिया है, देसी घी लिया है, और 200 ग्राम मैंने खोआ लिया है। ये मैंने घर में ही बनाया है। किशमिश मैं थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ, तो 80 ग्राम मैं किशमिश लिए है, 50 ग्राम मैंने बादाम लिया है, 50 ग्राम मैंने काजू लिया है। इन दोनों को मैंने चॉप कर लिया है, और ये मेरा 60 ग्राम खोपा है, इसको मैंने मोटे मोटे हिस्सों में इसको ग्रेट कर लिया है। और ये मेरा शक्कर है, मैं चीनी नहीं यूज़ करूँगी, इसके बदले मैं इसमें शक्कर यूज़ करूँगी, क्योंकि शक्कर थोड़ा हेल्दी होता है। और ये इलायची पाउडर है। अब सबसे पहले हमें मैदा को गूंदना है, तो मैदा गूंदने के लिए आपको बहुत सॉफ्ट नहीं गूंदना है, ना बहुत हार्ड गूंदना है। अब ये जो मैंने घी लिया था, ये सारा मैं घी इसमें डाल रही हूँ। और घी को सबसे पहले हमें मैदा में अच्छे से मिक्स करना है। अगर मुझे इसमें घी थोड़ा कम लगेगा, मैं थोड़ा और डालूंगी, क्योंकि इसमें मेन होता है कि घी का एक अंदाज होता है कि इस मुट्ठी बनना चाहिए। अब इसमें घी थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ। आटा का अंदाज होता है कि ये अगर थोड़ा सा मुट्ठी बन रहा है इसका, तो इसका मतलब है कि आटा हमारा घी ठीक है। अब मुझे इसमें पानी डाल के मैं इसको गूंदूंगी। पानी एक बार में थोड़ा थोड़ा ही डालना है। अब ये मैदा मैंने गूंद लिया है, और इसको गूंद के काफी इसको चिकना कर लिया है। अब थोड़ी देर 10-15 मिनट मुझे इसे ढक के रखना है, जब तक कि मैं इसके अंदर का मिक्सचर तैयार कर ले रही हूँ। जो मावा मैंने घर में निकाला था, इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट करूंगी। अभी मावा को मैंने गर्म कर लिया है, तब मैं एक एक करके अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल दूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें किशमिश डाली हूँ, ये मेरा बादाम है, ये काजू है, और ये खोपा है, जिसे सूखा नारियल कहते हैं, गट भी कहते हैं, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। ड्राई फ्रूट्स आप अगर अच्छे से डालेंगे तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो ड्राई फ्रूट्स क्योंकि हेल्दी भी होता है, आप इसी बहाने आप ड्राई फ्रूट्स भी खा लेते हो। सारा अच्छे से रोस्ट हो गया है, तो मैं इसका गैस बंद कर रही हूँ, और शुगर मैं इसमें लास्ट में जब ये ठंडा हो जाएगा तब मुझे शुगर डालना है, क्योंकि अगर शुगर मैं पहले डाल दूंगी तो ये सारा मेल्ट हो जाएगा शुगर इसमें। तो इसको शुगर हमेशा आप ठंडा हो के ही डालें। अब ये मसाला मेरा ठंडा हो गया है, थोड़ा सा मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इलायची मैं हमेशा छिलका के साथ ही इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ, इससे क्या होता है कि छिलका भी काम आ जाता है। और ये अब मैं शक्कर डाल रही हूँ। अगर आपको शक्कर नहीं डालना हो तो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा है कि आपको इसमें क्या डालना है। क्योंकि मैं इसे थोड़ा हेल्दी बनाती हूँ, तो शक्कर थोड़ा कम नुकसान करता है, तो मैं शक्कर यूज करती हूँ। मसाला मेरा अच्छे से मिक्स हो गया, तो इसको मैं एक बोल में निकाल ले रही हूँ। अब इसको आटा को गूंदे हुए मुझे आधा घंटा हो गया है, तो अब मैं आपको गुजिया बना के दिखाती हूँ कि गुजिया कैसे बनता है। तो सबसे पहले मुझे छोटा छोटा लोई इसका तोड़ना है। तो लोई एक अंदाज से आपको मैं बताती हूँ कि आपको जितना बड़ा साइज का बनाना हो, तो
तो आप उतना बड़ा बना लो। मैं एक नींबू के शेप का, नींबू के जितना साइज का इसका पेड़ ही बना रही हूँ। अब मैं आपको इसको इसका फिलिंग करना दिखाती हूँ कि इसका फिलिंग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसको पेड़ी बनाना है। अब मैं इसको आपको बेल के दिखाती हूँ। बेलने में आपको एकदम बिल्कुल ध्यान से इसको एक जैसा बनाना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला ऐसे नहीं बनाना है। अब देखो मैं थोड़ा सा छोटा बनाऊंगी तो इतना बड़ा मैंने इस शेप का बना लिया है। अब ये फिलिंग मैं थोड़ा इसमें बीच में डाल रही हूँ। फिलिंग आप इतना ही डालें जिससे कि आपको इसको इसका डिजाइन बनाने में आपको परेशानी नहीं हो। अब इसमें मैं चारों तरफ पानी लगा रही हूँ। पानी लगाने के बाद मैं इसको डबल फोल्ड कर रही हूँ और आपको देखना है कि इसमें नेल्स आपके नहीं लगे, नहीं तो ये टूट जाता है। जब ऐसा शेप हो जाएगा फिर इसका डिजाइन बनेगा। तो आपसे जितना जैसा बन सके आप वैसा बनाओ। इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, जितना आप कोशिश करते जाओगे आपका ये डिजाइन उतना सुंदर आते जाएगा। अब इस तरह से एक एक करके मैं सारा गुजिया अपना तैयार करूंगी। आपको मैं और बना के दिखा रही हूँ कि आप तब आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये कैसे बनता है। और इसको बहुत ज्यादा पतला हमें नहीं करना है क्योंकि ये फ्राई करेंगे तो आपका ये टूट जाएगा। तो हमें मसाला भी थोड़ा अंदाज से भरना है कि ये अच्छे से भर भी जाए और इसका जो डिजाइन है वो भी अच्छे से बन जाए। तो इसमें मसाला डालने के बाद अब मैं इसमें आपको हाथ में लेके दिखा रही हूँ कि हाथ में लेके भी आप बना सकते हो। इसमें पानी लगा के फिर इसको मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद बस ध्यान से ये देखना है कि ये अच्छे से चिपक जाए। मेन इंट्रिकेसी इसमें डिजाइन बनाने का और इसका फोल्ड करके इसको अच्छे से बस प्रेस करना है। क्योंकि अगर आप ये अच्छे से प्रेस नहीं करोगे, ये स्टेप को नहीं फॉलो करोगे तो ये खुल सकता है। अब इसको फोल्ड करके इसको दबा दबा के इसका डिजाइन बनाना होता है। अगर आपसे थोड़ा सा कम भी अच्छा डिजाइन बने तो भी ये चलेगा। मेन होता है कि इसको फोल्ड करना एक तरीका होता है कि इसको फोल्ड अच्छे से हो जाए। अब आप ये देखो कि कितना नीटली हुआ है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये और अच्छा आते जाएगा। ये देखो जैसे जैसे ये बनते जाएगा वैसे वैसे ये नीट होते जाएगा। तो आपने देखा मैंने अपनी ये सारे गुजिया को अब भर लिया है। तो आपको भी मैंने ऐसे करके सारे अपने गुजिया को भर लेना है। और जब आप इसको फ्राई करोगे तो आप इसको घी में भी फ्राई कर सकते हो या ऑयल में भी फ्राई कर सकते हो। उसको आपका टेम्परेचर बहुत मीडियम रख के ही आपको फ्राई करना। ज्यादा अगर आँच में अगर आप उसको फ्राई करोगे तो वो पहले ही रेड हो जाएगा और अंदर तक ये रोस्ट नहीं होगा। तो आपको अच्छे से कुक करने के लिए मीडियम टेम्परेचर पे ही कुक करना है। अब एक टुकड़ा इसमें मैदा का डाल के हमें देखना पड़ेगा कि हमारा घी गर्म हो गया है कि नहीं। जब इसमें थोड़ा सा बुलबुला आने लगे इसका मतलब समझ लो कि घी गर्म हो गया है। तो अब मैं एक एक करके इसमें गुजिया डालूंगी। गुजिया भी इतना ही डालना है जितना कि आपका ये पूरा घी में अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। एक बार में ज्यादा पीस भी हमें नहीं डालना है।
मैं एक बार में 6 पीस फिर डाल रही हूँ उसमें। अब बीच बीच में मैं इसको पलटती जाऊंगी। इसको अभी फ्राई करते हुए मुझे 7-8 मिनट हो गया है। जब ये गोल्डन ब्राउन सा सुनहरा सा हो जाएगा तब हमें इसको निकालना है। तो अब ये 2 मिनट में मैं इसको निकाल दूंगी। आपको मैं एक पीस निकाल के दिखाती हूँ कि अभी ये कैसा है। बस 2 मिनट इसको और फ्राई करना है। अब ये मेरा फ्राई होके तैयार हो गया तो मैं एक एक करके इसको टिश्यू पेपर में निकाल रही हूँ। आप देख रहे हो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आपका भी दिल कर रहा होगा इसे जल्दी से खाएं, तो आप भी अपने घर में इसको बना के और मुझे जरूर से ये रेसिपी अपना शेयर करना कि आपको आपका कैसा बना। अब मैं इसमें एक एक करके और डाल रही हूँ। डालते समय आपको टेम्परेचर का हमेशा ध्यान रखना है कि टेम्परेचर हमेशा मीडियम ही टेम्परेचर में डले। अब आप देख रहे हो कि इस तरह से मैंने अपने सारे गुजिया को फ्राई कर लिया है। तो कैसा लगा आपको ये गुजिया का वीडियो? मुझे लगता है कि आपको भी ये बड़ा टेम्पटिंग लग रहा होगा कि जल्दी से मैं भी घर में बनाऊं और इसे मुझे भी खाने मिल जाए। तो आप बना के मुझे फीडबैक जरूर देना। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।